हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है गाजियाबाद से, और हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। हमने बेड नहीं लिया है रूम के लिए, जैसे कि आप हमारे रूम को देखेंगे तो यहाँ पे यही वाला बेड लगा है, इनके पहले वाला। तो हम आज बेड और क्या लेने जाएंगे राहुल जी? है, देखते हैं क्या क्या लेकर आएंगे हम लोग। अच्छा, ये अभी नहाया है ना, इसलिए चंपू चंपू से लग रहे हैं, गीले हो रहे हैं। गीले तो चल रहे हैं, शॉपिंग करते हैं। मम्मी, मैं और सोनम जी जाते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। नानी तो यहीं पे है, नानी बाहर पे है, यहाँ पे नानी लेटी है। इधर मम्मी क्लेचर ढूंढ रही है अभी पिंक कलर का, क्योंकि मैंने पिंक कलर का पहना हुआ है ना। नानी कुछ बोल रही है, जाओ नानी की वीडियो बना के आओ लोग। नानी मैं जरा वो कर रही हूँ ना, चलो नानी के पास चले। सोनम जी, सोनम जी कैसी लग रही है आज? देखिए गाइस, इधर खड़े हो, इधर इधर सामने आओ, सामने आओ, हमारे सामने आओ। कैसे लग रहे? अभी तो मैं तैयार ही नहीं। पैर मत दिखाओ लाम। अभी मैं तैयार नहीं हूं। आज तो मैं इतनी अच्छी अच्छी क्यों लग रही हूं मुझे? क्योंकि मैंने पिंक कलर का पहना है ना। अच्छी लग रही हो तुम, पिंक कलर तुम पे अच्छी लगता है। नानी कुछ बोल रही है, जाओ नानी से मिलवाओ सब। नानी क्या बोल रही है नानी? चलो ठीक है, आता हूं मैं, तैयार हूं। नानी पड़ी है क्या? ले क्यों पड़ी है नानी? खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़ खड़ो जा, खड़ ये कोई शब्द तो खड़ क्या करना बाबू ना, बुढ़ापा सारे तो बहुत खराब होता ना। ए बुढ़ापा, बुढ़ापा झेलने बहुत, बुढ़ापा में भाई क्या कर? टाइम बोल सकते हैं, बचपन में बनो सोई, लड़कपन में खोई, बुढ़ापे में रोई। आए काई रोई बुढ़ापे में? इंसान बगे, तुम तो बुढ़ापे में खुश हो? क्यों? बुढ़ापे में आके जिंदगी बढ़िया हो गई, पहले तो दिक्कत थी नहीं थी, अब तुम्हारी जिंदगी बढ़िया। इधर रहो उधर रहो, मेंढक नहीं, अब कोई कुछ बोल दे तब वो भी रोना आता है। क्यों रोना है? नहीं आता है ना, होता है, होता है क्या? मेरा खाना मिल जाए, तेरे तो ऐश है ना, अपने तो बढ़िया है, नहीं है? अच्छा, जाना चाहते हो सब? जा, हाँ जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, घंटा कर जाएंगे। अच्छा, राणा का सब भले लग जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या बढ़िया लगेंगे, जो सोनम को पसंद आएगा है? जो सोनम को सही लगेगा। मैं तेल लेके लाना है? मेरा कुछ ना, कुछ नहीं, मैं क्या करना, सब कुछ है। खाना खा लिया? नहीं, अभी खाना खाते हैं, मुझे भूख लग रही है, लेट जा लेट जा, अभी आ रहा हूँ। क्या तैयारी करती रही जब से आई है? मैं तो तैयारी करने में लगी पड़ी है। भाई इतना तो मम्मी ने हमको तैयार नहीं किया ढंग से कभी। हाँ, नहीं करते हैं। और कपड़े पार्टी में जाने के लिए नहीं तैयार करते हैं। चलो खाना खाने चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, पहले चलो तो सही। हाँ चल रहे हैं, चलिए चलिए चलिए, खाना तो देखो। हाँ जी, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, अच्छे ही आ रहे होंगे हम लोग, मुझे तो पता, मैं तो अच्छा आ रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम अपने रूम के लिए, जो थोड़ा बहुत हमें सामान चाहिए थे, बेड और ड्रेसिंग का सोचा अभी, तो बस वही चीज़ लेने मैं, राहुल जी और मम्मी निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए। मतलब कि हम शॉप पे देखेंगे, भले एक दो शॉप में देखेंगे, अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन लेंगे। तो अभी ये गाज़ियाबाद का पूरा, अब मुझे इधर का तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह है क्या है, क्योंकि नया नया है ना मेरे लिए तो सब कुछ, तो मुझे नहीं पता है, पर लेकिन मुझे इतना पता है कि हम घंटाघर जाएंगे सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो चलो चलते हैं, आ गए हैं सोनम और बेड लेने, देखते हैं डिज़ाइन, अभी जा रहे हैं गोदाम पे। मैं तो स्मार्ट लग रहा हूँ, खैर कोई बात, चारों तरफ मैं जा रहे हैं ऊपर, इनका गोडाउन है भैया का, देखें यहाँ पे बेड वगैरह। वो कहती वो साइड साइड का भी होना चाहिए ना, वो सही रहता
लेकिन फिर हमारे अलमीरा खुल ही नहीं पाएगा ना, बिना साइड स्टोर के मिल जाएगा आपको। तुम लोग देखो जैसे वाले समझो। ब्राउन क्यों लगाना है, कलरफुल भी लगा सकते हैं। फिर तुम्हारा ड्रेसिंग की दिक्कत हो जाएगी। अगर ये लेंगे साइड वाले तो ड्रेसिंग की दिक्कत होगी, लेने का तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ड्रेसिंग के लिए तुम्हें सामने बनवाना पड़ेगा अच्छा, जैसे ये खाने रिमोट वगैरह उसके ड्रॉर आ जाएंगे। हमारे शीशे हैं भैया, वॉल वाले ड्रेसिंग होते हैं जो वॉल पे लगते हैं ड्रेसिंग, शीशा और साइड वैसे भी लगते हैं ड्रॉर प्रोर सकड़म सकड़म, वो बनवाने पड़ेंगे। वो तो ऐसा होता है कि जैसे आपने वॉल पे शीशा लगा दे, स्टूल आता है छोटा सा उसके नीचे लगा दो। अच्छा छोटा मोटा सामान लगा दो और नीचे स्टूल टाइप का से, हां वो भी सही रहता है अगर जगह नहीं है। छोटा शीशा लग जाएगा आपका वॉल पे और स्टूल टाइप का स्टूल आता है टाइप के, और ऐसा स्टूल लगा दो ड्रेसिंग मिल जाए तीन को सिंपल, कभी उसे हटा लो कभी उसे लगा लो कभी भी। देखो जैसे तुम्हें सही लगता हो भाई, तुम लोग डिसाइड करो, तुम इसलिए लाए हैं यहाँ पे। जो इसको पसंद है नहीं नहीं कलर मुझे प्यारा लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। और भी देख लो ना, और भी तुम्हें उस तरफ देखो, उधर भी देख लो, उधर भी देख लो, जो तुम्हें ठीक लगता हो देख लो। पहले दो चार चीज जो तुम्हें ठीक लगे। वो हमारे साइड पे कुछ सिंपल वाले हो गए, उधर भी सामने ये ग्रे ये रहा के साथ में आता है। बताओ फिर क्या करना है, तो मैं तुमको जो आंसर है मैं बता, कौन सा ही लग रहा है तुमको? उसको मनुष्य पे टक्का है ना तुम्हारे, इस पे बिना साइड स्टोर के बिना कोई साथ। ये गद्दे हटा के बोल रहे हो कितना? ये गद्दे हटा के जो पड़ेगा आपको ये 20 की रेंज का, वो आपको साइड टेबल के साथ पड़ेगा 28 की रेंज। अच्छा इसमें बताओ ना ले ले दो, कौन सा लग रहा है इसको बन लो पूरा लैंप लगा के, तो लैंप हटा दो। लैंप थोड़ी ना, ये साइड के नहीं, बेड बेड साइड के नहीं, नहीं उसको साइड के नहीं कर देंगे ना, वो ब्रेक लॉक नहीं इतना लगेगा ना, वो सबसे बेस्ट होगा। ये वाला हमने फाइनल कर लिया है, ये फाइनल किया मैंने, बढ़िया लग रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। अब देख रहे हैं सोना हम ये सेंसर वाली। अच्छा सोना को यही पसंद आया था, आप ड्रेसिंग देख रही है सोनम, फाइनली देख लिया क्या लेना है, अब हम देखते हैं बात करते हैं फिर चलें। हो गया डन, चलो जाइए घर जाके करते हैं। फाइनली बेड आ गया है, सोनम जी ने जो पसंद किया था सब बैठे हैं, गुड्डू आया हुआ है, गुड्डू ने हेल्प कराई उठा के रखने में। सोनम नानी किसको धन्यवाद बोल रही हो? गुड्डू भैया को। क्यों? उन्होंने तो वो तो नहीं सारी चीजें, तुम पीछे पीछे जा रहे थे, वो ऊपर ऊपर ये तो मेरा फर्ज था। कैसा लग रहा है तुम? ये सोनम जी का ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग इसमें तैयार होने के लिए। शक्ल देखो, हमारी शक्ल दिख रही है, हमारी शक्ल दिख रही है नानी। बेड कैसा है? अच्छा है।
मजा आ गया, वो मजा आ गया। कैसा भाई बैठ, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, मजा आ गया। बैकग्राउंड के साथ में क्या कहना चाहोगे? तुम्हें कैसा लगा सर? सब कुछ तुम्हारी पसंद है, तुम्हारी होनी चाहिए थी ना, मैं तो तुमको ले गया था। चलो देखो कैसा लग रहा है, दिखाओ ना कुछ बोल रहे। बैकग्राउंड भी वाइट है और बेड भी वाइट हो गया और हम भी वाइट हो गए। चलो तो आज के लिए सब कुछ वाइट है, दोनों ना दोनों टाइट हो गए। थैंक यू। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। चलो फिर अभी आज के लिए इतना ही काफी है। हमारा बेड और डाइनिंग आ चुका, ड्रेसिंग टेबल आ चुका है। सोनम खुश हो गई है, मम्मी को भी बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। मेरा मैच हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हमारा वो ब्लैक एंड ब्राउन हो गया, ये भी ऐसा हो गया, रूम फुल मैच्ड हो गया। तो ओके गाइस, सब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है? चलो बाय बाय करो सब, बाय बाय बाय। पानी क्या नानी, क्या बाय बाय, कैसे सी यू, आप पानी पियो, बाय बाय। जब मिलते हैं अगले व्लॉग में आपको।